काल के स्वरूप के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, काल व्यवस्था जैसे। अब काल के अंदर सूक्ष्म काल भी है, स्थूल काल भी। सूक्ष्म काल के अंदर यह है कि जिसका यहाँ पर वो जीव के बारे में, आत्मा के बारे में ऐसा कोई विचार मत करना। ये सूक्ष्म काल जो है इसकी व्यवस्था हो गई कि एक समय बस, अब ये इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर आप ये मत कहना आधा समय, पाव समय, ऐसा नहीं होता है। एक समय अखंड है। जैसे एक पुद्गल का ये परमाणु जो है ना, अब ये परमाणु जिसको हम बोलते हैं कि विच इज अनडिवाइडेबल कहलाया, दैट इज कॉल्ड एक पुद्गल का परमाणु। वैसे ही एक समय विच इज अनडिवाइडेबल, यू कान डिवाइड दैट वन समय। ये काल के अंदर आया, ये पुद्गल के अंदर गया, ये पुद्गल का परमाणु है सा। अब परमाणु जो है अगर वो अपने आप में सिंगल एक है तो शास्त्र में क्या नाम दिया है, अविभाज्य। इंग्लिश में आप अनडिवाइडेबल बोल देंगे, समय भी इट इज अनडिवाइडेबल। अब ये लास्ट आ गया, इसीलिए कहा कि एक समय में आत्मा सीधे मोक्ष में जाती है। ख्याल आया कि नहीं, ये हमने व्यवहार किया। अब सोचिए एक समय में आत्मा जब मोक्ष में जाती है, सात राज लोक के अंतर की गति कितनी होगी, अब उसको मापना कैसे, केवली के सिवाय तो संभव नहीं है सा। तो ये सूक्ष्म काल हो गया। अब उसके बाद जो है आप आगे बढ़िए, जितना व्यवहार जो है वो स्थूल काल का है। अब स्थूल काल के अंदर आप जब फिर आप जो है 10 समय 20 समय आवली का, फिर मिनट सेकंड मिनट जो है, फिर आगे जितना आपको स्थूल गणना करनी है आप करते जाइए। दो ही व्यवहार यहाँ पर किए गए, या तो सूक्ष्म व्यवस्था या स्थूल व्यवस्था। तो हमारा जो जीवन काल व्यवहार जो चल रहा है वो सब स्थूल का चल रहा है। आप दिन रात करोगे तो और बड़ा समय हो गया, रात दिन करोगे तो करना तो पड़ेगा ही, सब जीवन तो चल ही रहा है। लेकिन शरीर के साथ की क्रियाओं के व्यवहार में हमारे स्थूल काल चल जाएगा, लेकिन आत्मा का आना, आत्मा का शरीर छोड़ना, आत्मा का मृत्यु करके जाना, या आत्मा को कर्म का बंध करके बांधना, ये इतनी फास्ट इतनी जल्दी क्रिया होती है। अब उसको हम समय में कैसे मापे, कैसे हमारी बुद्धि की गणना का ये विषय नहीं है। इसलिए सूक्ष्म काल की व्यवस्था ये केवलियों, सूक्ष्म साहब जी, साहब जी आपका बोर्ड दिख रहा नहीं है क्लियर। हम लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है प्रॉपर है, प्रॉपर है, प्रॉपर। मैं तो एक साइड हो जाता हूँ, आके इतने में लिखा है अभी तक। हाँ जी, तो ये जो व्यवस्था जो है, समझे कि नहीं, जिस प्रकार की जो व्यवस्था बैठाई, तो काल की गणना हम किस काल के अंदर व्यवहार कर रहे हैं। तो जनरली जो है व्यवहार काल की बात कर लो, तब भी इसके अंदर हम शब्द बदल देते हैं बस, और कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, ये शब्द अगर हम यहाँ बदल दें, ये हम कहते हैं कि निश्चय काल। तो निश्चय काल कितना होगा, एक समय ही होने वाला है, और ये होगा हमारा व्यवहार काल। तो व्यवहार काल क्या होगा हमारा, हमारी सारी क्रियाओं का व्यवहार। हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं संसार में, कोई भी चीज, वो सारा व्यवहार काल है, जो व्यवहार में आने वाला काम है। आप लैंग्वेज में व्यवहार शब्द का उपयोग करेंगे, काल शब्द का उपयोग करेंगे। हाँ जी, मैं इतने बजे आ रहा हूं, आप कितने बजे आएंगे? मैं बरोबर 7:20 पर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, ट्रेन का टाइम क्या है, 10:40 है, प्लेन का टाइम क्या है, 7:30 है। नहीं, मैं बरोबर कैलकुलेशन करके निकलो, अभी आजकल जाम ज़्यादा हो जाता है ना, तो भाई ट्रैफिक के अंदर फंस गए तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं 1 घंटे पहले ही निकलूँगा। तो ये सब जगह पर हमारा व्यवहार जो हुआ, 1 घंटे का 2 घंटे का 7 बजे का 7:20 का, गाड़ी का आना है, आपको जाना है,
यहाँ तक कि हमारा जन्म मरण जो होता है वो भी इस काल के व्यवहार काल के साथ। हर जगह मैटरनिटी होम के अंदर देखिए, कोई भी बालक का जन्म होगा तो ज्योतिषी पहले टाइम तो पूछेंगे ना उनकी पत्रिका कैसे बनेगी, तो उनको बरोबर बोलना पड़ता है कि हाँ जी 7:20 पर बालक का जन्म हुआ है। अब वो स्थूल गणना का व्यवहार कैसे करेंगे सर, करेंगे कैसे? बालक को जन्मने में 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 7 मिनट हुई, तो वो काल कौन सा गिनना? बस इसी से हमारी गाड़ी चल रही, व्यवहार चल रहा है समझे। और जब आत्मा शरीर छोड़ देगी तब, हाँ जी ये बात निश्चित होगी, जन्म में आपको जितना लंबा टाइम लगेगा, जितना भी किसी को कम ज्यादा जिसका जो, लेकिन उसका 1000वें भाग का भी समय मरने में नहीं लगता है। आ गई ना बात पूरी? मरने में क्या है, आत्मा को खुद का अपना शरीर छोड़कर जाना है, वहां दूसरों के साथ पराधीन नहीं है। जन्म के अंदर माता के साथ संबंध है, जन्म के अंदर वो खुद के आत्मा इतना जन्म नहीं है जितना माता के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जन्म में हर किसी को समय ज्यादा लगने वाला है, लेकिन मृत्यु के अंदर तो खुद का शरीर छोड़ करके 1 सेकंड में भागना है। तो उसको उसको आत्मा को फिर आप बोलोगे नहीं इतना टाइम नहीं लगेगा, पैर में से, इस पैर में से, हाथ में से, दूसरे हाथ में से, इधर से उधर, ये सब हमारे विचार हैं। आत्मा को नहीं लगता है, आत्मा जब भी जो है 1 सेकंड भी, हमारी भाषा बोलते 1 सेकंड की, लेकिन 1 समय में भी शरीर छोड़कर निकल सकती है, क्या लगे? तो ये स्थिति है, समझिए आप। तो ये व्यवहार हम किसका करेंगे? अब सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार तो 1 समय का होगा, इससे ज्यादा नहीं है, बरोबर है? अब बाकी का बीच का ले लो, मध्यम समय जो है, तो निश्चय नहीं के व्यवहार की बात आप किसके साथ करोगे, किस समय करोगे, कितने प्रमाण में करोगे, वो आप देखेंगे। व्यवहार के अंदर हमको बरोबर देखना है। तो ये जो व्यवहार चलता है संसार का, सबका व्यवहार, कालिक व्यवहार जिसको बोलते हैं, काल में तो व्यवहार, आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी भूकंप आ जाए तो लोग बोलेंगे सब 40 सेकंड, 50 सेकंड तक रहा, 20 सेकंड तक जो वाइब्रेशन जो हुए, और वो जो है 40 सेकंड के अंदर तो अर्थक्वेक अगर हैवी है तो वो पूरी धरती फाड़ देता है। 4.7 का कल आया, क्या लाया, 4.7 के अंदर कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन 26 जनवरी को कच्छ के भुज में आया तब एक साथ में 1,00,000 लोग मर गए, कितने वर्षों पहले की बात। तो ये जो है ना बहुत बहुत कम समय का होता है, सोचिए समझे कि नहीं। अब यहाँ पर जो व्यवहार करेंगे, जिस तरह से भाषा व्यवहार, तो स्थूल गणना एक आपको जो है थोड़ा चित्र से डायग्राम से दिखाते हैं कि कैसे जो है हम मापेंगे, कैसे किस तरह से सूक्ष्म स्थूल का व्यवहार होता है। तो ये यहाँ पर छोटा सा हल्का सा आपको बताया जा रहा है सर। हाँ, तो ये गणित आपको क्या करना है, कैसे देखेंगे आप, कैसे समझेंगे? हाँ जी, नंबर 1 में असंख्य समय देखिए ऊपर लिखा है और नीचे देखिए 1 आवली का, तो इसमें वो एक आदमी को दिखाया माइक्रोस्कोप लेकर के नीचे देख रहा है, तो ये मत सोचना कि आप समय को माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे। ये तो एक समझाने के लिए कि कितनी सूक्ष्मता है। तो देखिए ऊपर तो असंख्य समय लिख दिया, असंख्य न लिखे और 1 लिखे तो 1 समय मतलब सूक्ष्म काल हो गया। अब इतने असंख्य समय मिल गए, अब बरोबर उसकी 1 आवलिका बनी है। ये आगम शास्त्रों के अंदर प्राचीन काल से शास्त्र में ये आवलिका नाम दी है, सेकंड नाम नहीं दिया है सर। अब मैंने लास्ट टाइम समझाया था वही यहाँ पर देख लिए, 256 आवलिका हो जाए तो उसका एक क्षुल्लक भव, क्या लाया, क्षुल्लक भव का मतलब क्या है, ये निगोद के गोले के अंदर जो ये जीव है, अब ये जीव इनका भी तो जीवन है, ये निगोद के गोले में एक गोले में अनंत जीव है। अब उनको जन्म ना है मरना है, जन्म, तो उनका जीवन काल जो लाइफ स्पान है वो कितने हो गए, 256 आवली का। अब उसके बाद तो उसको मरना ही मरना है सर, तो मरेगा तो फिर उसी में फिर जन्मना है, फिर मरना है, फिर जन्मना है, फिर मरना है। वो आपने लाइट देखी है ना सर,
बंद होती है चालू होती है, बंद होती है चालू होती है, बंद होती है चालू होती है, बंद होती है चालू होती है। 256 आवली का हम मापेंगे कैसे? हमारे पास इतनी छोटी व्यवस्था मापने की नहीं है। इतनी आवलिका में उस जीव का एक छुल्लक भाव एक जन्म बीत जाता है। ऐसा इधर देखिए, अब एक छुल्लक भाव तो बरोबर है, लेकिन उसके बाद टाइम का कैलकुलेशन करिए। 65,536 इतने सूक्ष्म, इतने छुल्लक भाव अगर हुए तो एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त काल जिसको आप बोलते हो। अब ये मुहूर्त काल जो होता है जितने प्रमाण में जैसा होता है, अब उसके हिसाब से आप गणित करिए, समझे कि नहीं? तो कितना होगा मुहूर्त काल का प्रमाण, कितना निकाले हम? गणित कैसे बैठाया जाए, उसका कैलकुलेशन जो है कैसे करें हम? तो ये आपको देखना है। अब एक मुहूर्त आपने दिया तो एक मुहूर्त बरोबर काल कितना होगा? तो यहाँ पर आपको दिया है कि एक मुहूर्त काल दो घड़ी का होगा, अंतर मुहूर्त जो है तो वो दो घड़ी का अंतर मुहूर्त है। उत्कृष्ट देना है उसको, ध्यान रखिए, उत्कृष्ट काल हुआ अंतर मुहूर्त का। अगर आप मध्यम काल देंगे तो उससे 48 मिनट से कम दीजिए, जघन्य काल देंगे तो एक समय से दो समय तक का काल दीजिए, वो हो जाएगा काल, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर जो है काल तो बदलता ही रहेगा। अब वो तो कैलकुलेशन पर करना है हमको, तो अब कैलकुलेशन के अंदर हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा आप किस तरह से गणित करेंगे साथ। तो ये यहां पर दिया है एक मुहूर्त मतलब दो घड़ी। अब इधर देख रहे हैं आप, दो घड़ी मतलब क्या? ऊपर की एक, नीचे की एक। तो प्राचीन काल के अंदर क्या करते थे, ऐसे कांच की ग्लास की बनाकर उसमें रेती के कण 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 छान करके भरते थे। क्या? क्योंकि रेती क्यों भरना है कि रेती मिट्टी की जैसी नहीं है, मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, रेती के कण चिपकेंगे नहीं। तो बरोबर जो है इतना बारीक छेद रखते हैं कि गिनती करते 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 उसमें गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी। तो क्या बोलते हैं, ऊपर की एक घड़ी, नीचे की दूसरी घड़ी, उसको 48 मिनट के हिसाब से माप करके ही रेती भरते थे, समझे? इतने ही माप से रेती गिरेगी, आपकी 48 मिनट हो जाएगी। आज की घड़ी तो पुराने जमाने में थी नहीं सर, उस समय लोग इसको लेकर के रख करके सामायिक करते थे कि चलो साहब ये ऊपर से नीचे गिरे इतने तक में हमारी एक सामायिक हो जाएगी, तो दो घड़ी बता दी। अब बात कहाँ आई साहब, ऐसे 30 मुहूर्त मतलब कितने, दो दो घड़ी के हिसाब से करो, 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। अहो मतलब दिन और रात, एक अहर दिन रात जो होता है वो 60 घड़ी बोलिए या 30 मुहूर्त बोलिए, दोनों बात एक ही आ गई। अब आप कैलकुलेशन करना है आपको, अब गिनती करते जाओ, आगे गणना करते जाओ करते जाओ। 30 मुहूर्त एक 24 घंटे के दिन के हमारे हिसाब से जो होते हैं, आप उसके 24 घंटे लिखिए, इधर 60 घड़ी का टाइम दिया या 30 मुहूर्त के हिसाब से दिन रात, अकेला दिन नहीं, तो अकेला दिन गिनना है तो 15 मुहूर्त, अकेली रात गिननी है तो 15 मुहूर्त, ये बात है। अब ये गणना जो है तो स्थूल गणना का व्यवहार हो जाएगा। अब ऐसी स्थूल गणना के व्यवहार में आप देखिए, करते जाइए कैलकुलेशन और जोड़िए साथ में। अगर हम ये देखें कि भाई सप्ताह द वीक, 7 डेज ऑफ द वीक, तो वीक करेंगे तब 7 दिन करेंगे, तो आप 60 के साथ 7 का गुणाकार कर दो तो उससे 420 जो है उसने घड़ी का जो है सप्ताह बन जाएगा आपका। अब डबल उस समय सप्ताह का, वीकली उस समय का व्यवहार नहीं था, तो 15 दिन का व्यवहार था, तो 15 अहोरात्र, 15 दिन रात इकट्ठे होंगे तब उसको बोलते हैं एक पक्ष, क्योंकि पूनम से एकम तक, एकम से अमास तक ऐसा जो है वो चलता था महीना। तो एक महीने के दो भाग आपने कर दिए तो 15 दिन आए, तो उसके अंदर जो है एक पक्ष उसको बोलते हैं, हमारी भाषा में हमने लाते लाते उसको पखवाड़िया कर दिया है साहब, ख्याल है? तो ये जो है, अब आप गिनती करके चलिए, दो पक्ष हो जाएंगे तब एक महीना हो जाएगा, बरोबर रोटेशन चलते चलते ये 30 दिन का जब हो जाएगा तब एक महीने का व्यवहार करेंगे आप। अब एक महीने का व्यवहार करेंगे उसमें फिर एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, मैंने आपको पहले कहा कि कैलकुलेशन आपको करते जाना है।
अब इस तरह से करेंगे तब जाकर के 2 महीने की एक ऋतु बन जाएगी। एक व्यवहार ये है, और अगर दूसरा व्यवहार करना चाहो तो 3 महीने की ऋतु, 4 महीने की ऋतु करिए, क्योंकि मेन जो है वो ठंडी के दिन, गर्मी के दिन, बारिश के दिन, इस तरह से करके हमने 3 ऋतु कर दी। लेकिन अब आज के काल के अंदर 2-2 महीने में ऋतु बदल जाती है, 2 महीना तो बहुत हो गया, ऐसे लोग बोलते इतने भी बारिश नहीं आती या गर्मी नहीं पड़ती। अगर 2-2 महीने के हिसाब से करोगे तो 6 ऋतुएं हो जाएंगी, 6 ऋतुओं के 2-2 महीने के हिसाब से 12 महीने हो गए सर। अब ये जो क्रम चल रहा है तो उसमें बोलते हैं 2 आयन। आयन का अर्थ ये है कि उत्तरायण और दक्षिणायन जो हम समझते हैं, सूर्य इस तरह से ऊपर से चलेगा तब जो है उत्तरायण होगा, और सूर्य नीचे से चलेगा तब दक्षिणायन हो जाएगा। ये सूर्य यहाँ से यू आएगा ऊपर से, और यहाँ से ये नीचे से चलेगा, तो ये नॉर्थ हो गई सर। तो नॉर्थ को यहां पर नाम दिया है उत्तरायण। अब ये शब्द यहां उत्तर दिशा दी है और ये आयन दिया है सर। इधर जो है साउथ की दिशा दी है तो इसको दक्षिणायन करना पड़ेगा। इस तरह से है, ऐसी व्यवस्था है। अब जो उत्तरायण दक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से हम देखें तो काल जो है चलता है सूर्य की गति के हिसाब से हो रहा है। आप चित्र में देखेंगे सूर्य को गतिशील बताया है बरोबर, तो सूर्य की गति के हिसाब से आप समझ सकेंगे, समझे कि नहीं। तो ये जो है एक तरफ से दक्षिणायन, फिर इधर से उत्तरायण, फिर उत्तर से, आप जानते हो वैसे भी 21 जून आएगी, 21 जून से वापस जो है 22 जून के बाद फिर दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, फिर वापस 15 जनवरी आएगी, तब 14 जनवरी आएगी तो उत्तरायण शुरू हो जाएगा। गुजरात में वगैरह तो राजस्थान वगैरह आदि में जाते हो तो देखते ही हो ना, वहाँ पर तो वहाँ पर तो आपको जो है बरोबर बताया जाता है। हाँ जी, अब यहाँ पर जो है काल की सारी व्यवस्था हम देखेंगे, आपको पता चलेगा कैसे काल चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है बस। अब सूर्य की गति हो रही है, सूर्य की गति के आधार से आप धीरे धीरे जितना मोटा काल, जितना बड़ा काल आपको गिनती करना है, आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, उस हिसाब से काल चलेगा, समझे कि नहीं। तो ये जो कालिक व्यवस्था जो पूरी बैठाई गई है, इन कालिक व्यवस्थाओं के आधार पर हम समझेंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो पहले बताया था जिस तरह से, अब इसमें ऋतु का भी उन्होंने ले लिया है, 6 आयन का भी ले लिया है। अब इसको करते करते आप जो है इसको नाम दीजिए, समझे कि नहीं। अब जैसे इसको नाम देंगे तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपको ये भी बताना है, वो आज क्या है यहाँ पर जो है वो हवा बहुत ज्यादा तेज है, तो क्या है ना, क्यों रूरल एरिया में हम लोग तो बोलते हैं वायर हिलता है तो लाइटें आती है जाती है, ये होना ही है सर। अब क्या होगा कि इसके अंदर बरस हुआ साहब, तो 1 बरस के हिसाब से आप देख लीजिए तो 12 महीने हो जाएंगे। या तो महीनों के हिसाब से गिनो या बरस के हिसाब से गिनो, जिस तरह से गिनो तो बरस हो गया। अब आप में आप आगे कैलकुलेशन करिए सर। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप, फिर 5 बरस हो जाएंगे, 10 बरस हो जाएंगे। लैंग्वेज तो आज बनाई दशक, गुजराती भाषा में 1 दशक को बीती गए, मतलब उसको एक सामूहिक संज्ञा दी है कि हाँ सर 10 बरस का टाइम बीत रहा है। क्या ले, अब उसके बाद में आप बोलिए, फिर सेंचुरी बोलेंगे आप, शताब्दी, ये शताब्दी हो गए, कितने 100 बरस हो गए सर। काल है, काल की गणना है, आपको जितना हिसाब करना है करिए, जितना बड़ा हिसाब करना है करिए, जितना छोटा करना है उतने छोटे हिसाब से करिए। काल तो चलता है, क्यों चल रहा है साहब, सूर्य की गति निरंतर है, अखंड है, नियत है, निश्चित है, शाश्वत है, इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है।
सूर्य की गति में कोई कभी भी कुछ भी इसमें कम ज्यादा पना नहीं आता है। चंद्र आदि की आ जाएगी और ग्रह नक्षत्र ताराओं की, इसलिए उनको कोई बीच में मत लाइए। सिर्फ और सिर्फ सूर्य की गति से ही गणना करके कैलकुलेशन करना है, क्योंकि 100 साल के बाद भी वापिस 10 फरवरी को समय वही आएगा, इसी समय सूर्य का उदय होगा। इसीलिए लोग 100 साल का पंचांग बना सकते हैं। आ रहा है बात ख्याल में आपको? तो ऐसे ही व्यवस्था कैलकुलेशन आप करते जाइए करते जाइए। आपने 100 साल की गणना कर ली, अब 10 शताब्दी इकट्ठा करो तो 1000 वर्ष हो गए साहब, तो 1 सहस्राब्दी बोलिए। संस्कृत लैंग्वेज के नाउन से सब, सहस्र मतलब 1000, तो सहस्राब्दी 1000 वर्ष हो गए साहब, ख्याल है। अब मनुष्य का आयुष्य तो आज हमारा तो नहीं 1000 साल का, लेकिन जहां पर है वहां तो है ना, जहां पर है तो वहां जाएंगे, वहां पर देखेंगे उनका आयुष्य इतना लंबा है तो वो बरोबर करते हैं सब। लेकिन जहां जिस क्षेत्र में, अब आज हमारे यहाँ नहीं है लेकिन चौथे आर्य में यहाँ पर भी 1000 बरस का आयुष्य थे, नैमिनाथ भगवान का 1000 बरस का आयुष्य थे, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नैमी भगवान का 1000 बरस का आयुष्य था। ऐसे जो है जिस जिस काल के अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर जो व्यवस्था चल रही है उसका हम गणित कर रहे हैं। अब आपने किया सब 1000 बरस का किया, जैसे रुपए गिनने के अंदर रुपयों में भी तो आपने गणना ही तो किए, गणित ही तो किया, वहाँ पे अभी भी 1 है रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये, फिर 1000 करते करते लाख रुपये बोले, लाख रुपये करते करते करोड़ रुपये बोले, करोड़ करते करते आप मिलियन ट्रिलियन की जो गणित बैठाई है सब करते हो, तो यहाँ पर भी आपको गणना करने में क्या तक? जैसे रुपए पैसे में गणित कर सकते हो, यहाँ भी करिए। क्षेत्रावधि, एक काल क्षेत्र की जो है जब हम अवधि पकड़ते हैं तो वहाँ की अलग बात होती है, वो भी तो आपको किलोमीटर में गिनती करनी है, वहाँ भी आप करेंगे। डिस्टेंस को माप करके हम करेंगे तो वहाँ पर क्या, ये मनुष्य ने अपनी शोध करके कैलकुलेशन के आधार पर सारी कालिक गति, क्षेत्रीय गति आदि 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 प्रकार से गतियों की व्यवस्था दी। अब यहाँ पर जब हम करेंगे, आपने लाख वर्ष कर दिया था, अब लाख वर्ष आप बोलेंगे आपको क्या जरूरी है लाख वर्ष, आपका लाख वर्ष नहीं होता है, देवलोक में तो लाख वर्ष का करोड़ों वर्षों का आयुष्य होता ही है ना, वहां पर तो क्या लायक नहीं। जब सिमंदर स्वामी को ये पूछा गया कि हे भगवान, नरक गति के अंदर सबसे मिनिमम से मिनिमम आयुष्य कितना होता है, कम से कम कितना होता है, या देव गति के अंदर जो जाकर वैक्रिय शरीर धारण करके जन्म लेता है तो उनका मिनिमम से मिनिमम कम से कम आयुष्य कितना होता है, तो केवल ज्ञानी ने उत्तर दिया कि देव गति में या नरक गति में मिनिमम से मिनिमम आयुष्य 10,000 बरस का होता है। अरे बात ख्याल में, अब गर्भ में आया जीव और वहां का अंतर मुहूर्त लीजिए, हमारी स्थूल गणना के संसार के व्यवहार में जन्म किसको कहेंगे, माता के गर्भ से जन्म लेकर धरती पर आया उसको जन्म कह रहे हैं। जीव का जन्म ध्यान करिए वो क्या है, 9.5 महीने तो शरीर बनाकर जन्म लिया है, लेकिन जीव ने माता के गर्भ में प्रवेश किया और अंतर्मूर्त के अंदर उसका शरीर वगैरह बन गया है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कहेंगे अंतर्मूर्त का। कितना फर्क पड़ गया? तो ये जितना हमारा यहाँ पर मनुष्य का गर्भ में प्रवेश करके अंतर्मूर्त में 48 मिनट में हम मर जाए, इसकी तुलना में देव गति में नरक गति में वहां का 10,000 बरस का। आप ये मत सोचिए कि वहां जाकर जाते ही आपने पैर रखा देवगति में और आपको पसंद नहीं आया सर, तो क्या वापस उतर जाएंगे, आ जाएंगे क्या? अब ये कोई जीव के लिए पसंदगी नापसंदगी का सवाल है क्या? ऐसा भी नहीं है कि जीव किसी माता के गर्भ में गया क्यों मर गया साहब, नहीं उसको मम्मी पसंद नहीं आया, ऐसी मम्मी नहीं चाहिए साहब, मैं तो वापिस जाता हूँ, ऐसा होता है क्या? कोई नहीं होता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, चाहे वो झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में जन्मा है
या चाहे भले वो दुनिया के किसी क्षेत्र में जन्मा हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। कोई बालक नहीं बोल सकता है कि मम्मी पसंद नहीं आई, कोई मम्मी नहीं बोल सकती है कि बालक पसंद नहीं आया। वो नेचुरल फेनोमिना है, माता को बालक को जन्म देना ही देना है, बस खेला है। अब वहां दूसरा कोई विकल्प नहीं, बस वो गर्भ में है, गर्भ में बालक ने प्रवेश किया है। अब वो अंतर्मुहूर्त का, तो अंतर्मुहूर्त 48 मिनट होगी कि नहीं होगी, तो वहां जब हम आप जैन बायोलॉजिकल साइंस सीखेंगे ना, तब ये समझेंगे पर्याप्त अपर्याप्त, वहां की व्याख्या डेफिनेशन अलग आएगी। अपर्याप्त का मतलब यह है कि अभी उसने 6 पर्याप्तियां पूरी नहीं की, इस बीच में वो आयु से छोड़ करके जा रहा है, शरीर छोड़कर निकल रहा है, सर मरना है मर रहा है। अब माता का कोई कारण नहीं है बीच में, माता का कोई कारण नहीं, माता के पास पूरी व्यवस्था है, गर्भ है, व्यवस्था है, सब कुछ है। अब वो जीव अगर पर्याप्त नाम कर्म की प्रकृति लेकर आएगा तो 9.5 महीने पूरे करेगा, नहीं लेके आएगा अपर्याप्त नाम कर्म की प्रकृति लेकर के आएगा तो फिर वो जो है थोड़े से 2-5-10 मिनट के अंदर ही मर जाएगा। तो वो अपर्याप्त जीव की कर्म प्रकृति अलग है, ख्याल आएगा, बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो ये जो है चलेगा काल के हिसाब से, संसार के व्यवहार में जो है व्यवहार गणना चलती है। अब उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कर्म प्रकृति वैसी है। तो अपर्याप्त तो नाम कर्म की प्रकृति वाला जीव पर्याप्त तो नहीं बनेगा, पर्याप्त तो नाम कर्म की प्रकृति वाला जीव अपर्याप्त तो नहीं बनेगा, उसको अपने तरफ से वो पूरा करेगा या अधूरा छोड़ कर जाएगा। दोनों का अपना अपना हिसाब अलग अलग है, बस बात इतनी सी है। तो जीवन तो चलेगा ना, हमने यहाँ पर गिनती कर ली साहब, अब आपने गिनती कर ली, किस तरह से आपको कौन सी गिनती में चलना है, किस नाउन की संज्ञा देकर, आप 5 बरस का बोल दो, 10 बरस का बोल दो, तो एक युग हो गया, ख्याल है ना। आप बोलते हो ना प्रवीण भाई कई बार जो है युग प्रवर्तक, ख्याल है कि, तो वो जो है युग प्रवर्तक बोलते हो, तो मतलब क्या 5-10 बरस का उनका काल एक ऐसा आ जाए कि वो पूरा युग बदल दे, समझे। तो ऐसा होता है, वो अलग बात आ गई, समझे कि नहीं। जिस तरह से भी जैसे भी हो तो जीव करते हैं ना, समझे। अब 5 बरस का युग आप कर दो, फिर 10 बरस का दशक आप कर दो, 100 बरस के हिसाब से गिनती करो। लेकिन अब मैं आपको ये पूछूं कि देवलोक के देवताओं को, उनको भी तो काल गिनती तो करनी है ना, और वहां तो ये व्यवस्था ही नहीं है ऐसा। एकमात्र संसार में नारकी जीव ऐसा है कि प्रति मिनट मरना चाहता, लेकिन मर तो नहीं पाएगा। इच्छा होने मात्र से अलग होता है, इच्छा तो मोहनीय कर्म के कारण होती है, आयुष्य टूटेगा नहीं ना। इतने भारी कर्म करके वो नरक में गया तो उसको वहां की वेदना पीड़ा सहन किए बिना कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे स्थिति में अब आप आगे की काल व्यवस्था की गिनती करिए। अब तो सीधा मैथमेटिक है साहब, चोरडिया जी, कैलकुलेट करते जाइए, जोड़ते जाइए। मैंने आपको कहा कि भाई 100 बरस हुए, 100 बरस, 100 बरस, 10 शताब्दी की, तो आपने 1 सहस्राब्दी कर दी, 1000 बरस बोल दिया। 1000 बरस के बाद आप बोलेंगे नहीं नहीं साहब, 1 लाख बरस हो गए, 1 करोड़ बरस हो गए, 100 करोड़ बरस हो गए। अब यहाँ हम गिनती करोगे तो 100 करोड़ कोई नहीं समझेगा, लेकिन देवलोक में चले जाओ तो उनके लिए तो 100 करोड़ गिनती करनी बहुत आसान खेल है, वो तो कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। जीवन तो उनका वहां पर इतना लंबा चौड़ा है तब जाकर वो गिनती करते हैं, नहीं तो कैसे हो सकती है, सोचिए समझे। अब इसके अंदर हम काल की गणना करनी है, बस अब आपको